से बहुत मायूस हो चुकी है गॉल, बस उसे जल्दी से अच्छा कर दे। जीसस, मेरी कैंसर की बीमारी से मेरे हस्बैंड बहुत दुखी रहते हैं, उनका दुख दूर कर दीजिए जीसस। मेरी मम्मी की बीमारी की वजह से मेरे पापा बहुत परेशान रहते हैं, मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी तो पापा भी खुश रहेंगे। मेरी मम्मी को अच्छा कर दो जीजस, मेरी मम्मी को अच्छा कर दो। गुड मॉर्निंग डिसोजा। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। तुम कैसा माइकल माय सन? ठीक हूँ फादर। मैरी, अब तुम्हारा तबीयत कैसा है? एकदम फर्स्ट क्लास। देखिए चलने फिरने भी लगी है, फिर भी दिल छोटा करती है। आप इसे समझा दे फादर, गॉड इज ग्रेट। यस डिसोजा, यस गॉड इज ग्रेट। मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहा है भाभी। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। ये लो प्रसाद, आज फिर मैं भगवान से झगड़ा करके आया हूँ आपके लिए, और थोड़ा धमका कर भी आया हूँ कि अगर हमारी भाभी को ठीक नहीं किया तो सोच लो। अच्छा डिसूजा, ड्यूटी का टाइम हो गया है, तू भाभी को घर छोड़ के सीधे फैक्ट्री आ, मैं विजय और माइकल को स्कूल छोड़ाता हूँ। जा माइकल। चलो। ओके फादर, प्रे फॉर अस। ए बोल दे। पहले सॉरी बोल। नहीं बोलूंगा, जब हम खेलते तो इधर बैठ के खाना क्यों खाते हो? जब हम यहाँ खाना खा रहे हो तब तुम लोगों को कहीं और जाकर खेलना चाहिए। देता है कि नहीं? एक से भले दो। ए किशन, ए मैन, अरे ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया, घर चलता है कि नहीं? अरे चलाओ भाई चलाओ। क्या चल रहा हूँ मैं? अरे तेरे को तो मालूम है मैरी खाने पर वेट करता है, वो अपन के बिना खाना नहीं खाता, और वो अपना डार्लिंग है ना माइकल। हाँ। वो अपन को देखे बिना सोता नहीं है। चल जल्दी चल। अरे भाई चल रहा हूँ, मुझे भी तो जल्दी जाना है, जाकर विजय को ट्यूशन देनी है। अपनी पत्नी के मरने के बाद तो बहुत लेजी हो गया, एकदम सुस्त। जब वो जिंदा थी तो घर जाने की कितनी जल्दी पड़ी रहती थी मुझे, है ना? करेक्ट। कभी कभी तो तू ड्यूटी खत्म होने से पहले ही भाग जाता था। चल आज भी वैसे ही भाग। अबे ये क्या किया? अबे जल्दी जल्दी भाग। अबे भरना। माय गॉड, कोल्ड। ये क्या है मैन? ए, उठो। तुम लोग यहां से फूट जाओ, और तुम लोगों ने यहां कुछ नहीं देखा, समझे? हाँ, कुछ नहीं देखा। चलो किशन। गद्दार, तुम लोग यहाँ फैक्ट्री में स्मगलिंग करता है, बॉस के साथ गद्दारी करता है। किशन, मैं सबको रोक कर रखता हूँ, तू जल्दी से मैनेजर साहब को फोन कर, जल्दी हरी अप। खबरदार कोई हिला तो गोली मार दूंगा। मैनेजर साहब आइए आइए, देखिए ये लोग फैक्ट्री में कैसा काला धंधा कर रहे हैं, ये सब देखिए। हमारी ये फैक्ट्री ईमानदारी की जीती जागती मिसाल है, इस पे दब्बा लगाने की कोशिश की है तुम लोगों ने, ऐसी सजा मिलेगी कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम लोग। मैंने पुलिस को खबर कर दी है। वेरी गुड डिसोजा, तुमने अपनी जान पे खेल के जो काम किया है उसके लिए मैं तुम दोनों की प्रमोशन करवाऊंगा। थैंक यू सर।
अब तुम दोनों की जगह फैक्ट्री के गेट पर नहीं होगी। किशन, 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 किशन की जगह ऊपर और तुम्हारी जगह जेल की चार दीवारी में। तुमने अपन के दोस्त को मार डाला। You rascal, I'll kill you! I'll kill you! आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन किया था। ये दोनों हमारे फैक्ट्री के वॉचमैन हैं। ये लोग गैर कानूनी माल हमारे गोडाउन में छुपाते हैं। इंस्पेक्टर, ये झूठ बोल रहा है। किसी बात पे इन दोनों का झगड़ा हुआ और इसने अपने ही दोस्त को गोली मार दी। गोली इसने मारी है, ये झूठ बोल रहा है। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर साहब, हम गॉड की कसम खाता है, हमने खून नहीं किया। इस रास्कल ने इसको मारा है। हमने अपने दोस्त का खून नहीं किया। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, अरे आप क्या तसल्ली देने आया है? तेरे बाप ने तो यतीम बनाया है इसको। नहीं, ये झूठ है। विजय, तू इन लोगों को बता, क्या मेरा बाप ऐसा कर सकता है? तू झूठ बोल रहा है, तेरे बाप ने ही मेरे पिताजी को मारा है। विजय, ऐसा मत बोल, तुझे मेरी दोस्ती की कसम। अरे कैसी दोस्ती, तेरा बाप भी तो इसके पिता का दोस्त था। क्या अपने बाप की तरह इसे भी मार डालेगा? साले निकल यहाँ से, खूनी की औलाद। खबरदार, जो मेरे बाप को खूनी बोला तो। एक बार नहीं, हजार बार बोलूंगा, तेरा बाप खूनी है, खूनी है, खूनी है। बाहर निकलो। अरे साले लात मारता है, चल बाहर निकल। ये क्या तमाशा लगा रखा है? माइकल बेटे, बाहर आओ बेटे, बाहर आओ, तुम्हारा मोहल्ला आ गया है। देखा, ये स्टाइल है बात करने का। आप उनसे इज्जत से बात करने का, एकदम प्यार से। प्यार से बोलेगा तो माइकल जान भी दे देगा। माइकल बेटा, एक बात बोलूं, देखो बुरा मत मानना हाँ, तुम ये सब धंधा छोड़ दो और शराफत की जिंदगी बसर करो। ये गरीबों और मजदूरों की तरफदारी करके तुम काहे को पैसे वालों से लफड़े मोल लेते हो? अंकल, अगर आपने मुझे बेटा नहीं बोला होता ना, तो मैं इस बात का ऐसा सॉलिड जवाब देता कि तुम अक्खा लाइफ याद रखता। अपने लॉकअप का दरवाजा हमेशा खुला रखना, क्योंकि माइकल गरीबों के लिए लड़ता आया है और लड़ता रहेगा। माइकल भैया आ गए, माइकल भैया आ गए, माइकल भैया आ गए। क्या माइकल जेल से छूटकर आ गया? या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, तुम आ गए माइकल बेटे। अरे काकी, कैसी है तू? मैं तो तेरे पास ही आ रहा था, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं बेटा, तुम्हारे जेल जाने के बाद कोई जंग बहादुर कई गुंडे लेकर ये बस्ती खाली कराने आया था, आज तक का ही वक्त दिया है। शायद वो ये नहीं जानता कि इस बस्ती के कितने एहसान है माइकल पर। ठंड पड़ी तो सीने से लगा लिया, धूप लगी तो छाया दी, और जब आसमान की छत टपकने लगी तो खुद भीग गई, लेकिन अपन पर एक बूंद पानी नहीं गिरने दिया। ये बस्ती अपन के लिए मां से कम नहीं है काकी, तो फिक्र मत कर। माइकल भैया, माइकल भैया, जब से आप गए हैं तब से हम लोगों ने अच्छा खाना ही नहीं खाया। अच्छा? हाँ। ये बात है, तो आज अच्छा खाना खिला देते हैं। चलो, मटन बिरयानी है? जी बिल्कुल है। तो फिर 5 प्लेट बढ़िया मटन बिरयानी बोल दे जा। 5 प्लेट मटन बिरयानी लगाना। सुन, सुन 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 सुन, या कीमा मिलता है क्या? जी बिल्कुल मिलता है। मिलता है? हाँ। तो फिर ऐसे कर, मटन बिरयानी कैंसिल कर दे और 5 प्लेट कीमा बोल दे जा। मटन बिरयानी कैंसिल, 5 प्लेट कीमा लगाना। अबे सुन 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 सुन, तुम लोगों ने पाया बनाना क्यों छोड़ दिया यार? अरे क्या बात करते हो माइकल भैया, पाया तो गरीब नवाज होटल की शान है। इस बस्ती में जो भी है आया, उसने जरूर खाया है यहाँ का पाया। क्या बात है, तो फिर ऐसे करते हैं, कीमा कैंसिल, 5 प्लेट पाया बोल देना जा। कीमा भी कैंसिल, 5 प्लेट पाया लगाना। सुन सुन सुन, इधर
अपने बॉस से बोला कर यार कि मलाई कोफ्ता भी बनाया करें। अरे माइकल भैया क्या बात करते हो, अगर इस होटल का मलाई कोफ्ता खा लोगे ना तो दूसरे होटल का रास्ता भूल जाओगे। यहाँ जो भी पुलिस वाला हफ्ता लेने के लिए आता है ना, हैं, हम उसे यहाँ का मलाई कोफ्ता खिलाते हैं और रफू चक्कर कर देते हैं। तो फिर ऐसे कर, 5 प्लेट बढ़िया मलाई कोफ्ता बोल देना, जा। 5 प्लेट बढ़िया मलाई कोफ्ता लाना। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया मलाई मार के, मार के मलाई कोफ्ता। वाह माइकल भैया, हुआ, मजा आ गया। मजा आ गया ना। हाँ, चला चला गरी, चला 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 पुरानो, चला। ये रहा बिल। बिल कैसा बिल भाई साहब? मलाई कोफ्ते का बिल। मलाई कोफ्ते का बिल? हाँ है? लेकिन मलाई कोफ्ता तो मैंने पाए के बदले में मंगाया था। मंगाया था कि नहीं? हाँ है? तो बता ना फिर। हाँ, पाए के बदले मंगवाया था। तो ठीक है, फिर आप पाए के पैसे दे दो। पाए के पैसे? हाँ पाए के। हाँ। अरे पाए तो मैंने कीमे के बदले में मंगाया था। मंगाया था ना? हाँ, कीमे के बदले। तो फिर बता ना। हाँ, कीमे के बदले मंगवाया था। तो फिर कीमे के पैसे दे दो भाई। अरे ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई यार। क्यों भाई? हैं? कीमा तो मैंने मटन बिरयानी के बदले में मंगवाया था। क्यों भाई? मंगवाया था कि नहीं? हाँ, मटन बिरयानी, मटन बिरयानी के बदले मंगवाया था। ठीक है साहब, तो फिर आप मटन बिरयानी का पैसा दे दो। मटन बिरयानी के पैसे? हैं? दिमाग की दही क्यों बना रहे हो यार? हैं? मटन बिरयानी तो मैंने खाया ही नहीं। खाया था मटन बिरयानी? खाया था। तो फिर बता ना। नहीं खाया था। अबे जब मटन बिरयानी खाई नहीं तो मटन बिरयानी का पैसा कैसा? कहां को यूं ही परेशान करता, मेरी दुकानदारी बिगाड़ेगा। जाओ भाई जाओ, ये छोकरा तो पागल है। लॉलीपॉप ले लो भाई साहब। अबे क्या भाव्या भाव्या कर रहा है, जाना अपना काम कर। ऐसा सिर माफ कर दो मेरे भाई, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ मेरे भाई, पाँव पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मुझे छोड़ दो भाई। ए बुड्ढे, लाखों करोड़ों की जमीन मुफ्त में तेरे हवाले कर दूँ, तेरे बाप का है? ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, देखते हैं ये लोग हमें बस्ती से कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। बचाओ, बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, चक देंगे फटे। इस इलाके के जिले सुभानी के साथ पंगे ना लो, ना लो पंगे, पंगे ना लो। बख्शी साहब, अपने आदमियों से कह दो, कह दो इनसे कि कानून नाम की भी कोई चीज है। तेरा कानून मेरे इथे इथे। बख्शी जंग बहादुर दे नाल जंग करदा है? बख्शी जंग बहादुर दे नाल जंग करदा है? एहुजी गल्ला ना करिया करो बस्ती वालो। ओ इंदर जसवंत, फट्टे चक दे खंजरा दे। गंदा व्या दारा सिंह बनन की कोशिश ना करिया कर। ओ पैटन टैंक वाले आ, बस तू पेल छड़। काका लाल झंडे वाले, तू मेरे पैटन टैंक नाल पंगे ना ले, ना ले पुत ना। चक दे इनू। Thank you.
जंजर तब मैनू नहीं छूना, तू मैनू नहीं छूना, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगा, मैनू छूना नहीं, मेरी आंख फाड़ दी, फाड़ दी आंख, फाड़ दी, फाड़ दी। तेरे भाई की कसम है, टकरे निकाल देना उसके, टुकड़े टुकड़े कर देना उसके, समझा? छोड़ना नहीं उस रामजादे को, कुत्ते को छोड़ना नहीं। माइकल दादा, क्यों कैसा लग रहा है? उन दो टके के गरीबों के लिए मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने? बड़ा हमदर्द बनता है गरीबों का, देखा उसका अंजाम देख। साले उन झोपड़पट्टी वालों के साथ एक दिन तुझे भी दफन कर दूंगा उस बस्ती में। धर्मा, धर्मा, उस बस्ती ने मुझे माँ की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। वहां की किसी झोपड़े की एक कील भी उखड़ी ना तो सोच लेना, और हाँ, इस वर्दी को उठा के फेंक देना, क्योंकि इसे पहनकर तू रईसों के तलवे चाटने लगता। तू तू है इस जिंदगी पर। पकड़ो हरामजादे को। मेरे हाथ तो फटे हुए धर्मा, इसे जितना चाहे उतना मार ले, लेकिन जिस दिन ये मार्शल लॉकअप से छूटेगा ना, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। वैसे भी तुम दोनों भाइयों के दिन बढ़ चुके हैं। मार ले, मार ले धर्मा। लो पानी पी लो। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? माँ बाप ने क्या नाम रखा था पता नहीं, लेकिन लोगों ने मेरा नाम कालिया रखा है। देखो तो बताऊं, बस समझ लो तुम्हारी बिरादरी का हूं। तुमने माइकल को पानी पिलाया, माइकल तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखेगा। डिसोजा, अरे कैसा है तुम, कभी आया जेल से? बस अभी अभी सीधा जेल से आपके पास आया। फादर, माइकल का कुछ पता चला? I'm sorry, D'Souza. हम उसे बहुत तलाश किया पर कहीं नहीं मिला। कुछ नहीं बदला,
सब कुछ वैसा ही है। बदला है तो जीसस क्राइस्ट ने अपन का लाइफ, सब कुछ फिनिश हो गया, फिनिश। डिसोजा सब्र करो, सब्र करो डिसोजा, और जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अभी तुम नए ढंग से नया लाइफ शुरू करो। फादर, नया लाइफ शुरू करने के लिए अब रखा ही क्या है? बहुत कुछ रखा है डिसोजा, बहुत कुछ। तुम्हारे दोस्त का बेटा विजय, तुम जेल में मेहनत किया, उसी मेहनत की कमाई से तुमने उसे पढ़ा लिखा कर इंस्पेक्टर बनाया। डिसोजा, अभी तुम्हें उसका कामयाबी देखना है, तुम्हें उसके वास्ते मरते दम तक गॉड से दुआ करना है, प्रे करना है। फादर, अपन को प्रॉमिस दो कि विजय को यह नहीं पता चलने दोगे कि उसे पढ़ा लिखा कर अपन ने इंस्पेक्टर बनाया है। कब तक डिसोजा, आखिर कब तक? जब तक विजय को यह नहीं पता चल जाता कि तूती शाह ने हम सबको बर्बाद किया है, इसीलिए तो अपन ने उसे इंस्पेक्टर बनाया। और अब तूती शाह के हर प्रोग्राम की खबर उसे देकर अपन भी तूती शाह को बर्बाद कर देगा, फिनिश कर देगा। इंस्पेक्टर, तुम्हारी वर्दी पर मेडल कुछ कम है, अपन तुम्हारी तरक्की देखना चाहता है। अपन के बारे में जानने से तो अच्छा है कि तुम उस जगह के बारे में जान जाओ जहां नकली शराब बनती है। उस जगह का नाम है पास्कलवाड़ी, और कारोबार करने वाले का नाम तुम खुद ही जान जाओगे।
बताओ तुम्हारे बॉस का नाम क्या है? तुम गूंगे भी होते तो मैं तुम्हारे मुंह में जुबान दे देता। कौन है वो? नहीं बोल। तुम्हें जिंदगी प्यारी नहीं और मुझे खामोशी से सख्त नफरत है। बोल। तुम जैसे ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट की पेशानी पर बदनुमा दाग है। आए दिन तुम बेगुनाहों को पीटते हो और यह खबरें अखबारों में छपती हैं। तुम्हारे काले कारनामों के लिए जवाबदेही मुझे करनी पड़ती है। लेकिन सर, यह मुजरिम बेगुना नहीं, इसे मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। जब तक अदालत में जुर्म साबित न हो जाए हर मुलजिम बेगुनाह होता है। लेकिन सर, सर यह आदमी बाहर कैसे? इसकी जमानत हो चुकी है, खुद मिनिस्टर साहब ने इसकी रिहाई का हुक्म दिया है। ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी इंस्पेक्टर, चलता हूं। मेरी आंखों के सामने ही ऐसी शर्मनाक हरकत, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारा यहां से ट्रांसफर करता हूं। अगर आइंदा भी ऐसी हरकतें करते रहे तो ज्यादा दिनों तक पुलिस में नहीं रह पाओगे। कितने आदमी मरे? जी 6। मैंने उस इंस्पेक्टर के जबड़े में हाथ डाल के तेरे को निकाल लिया, मगर मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने का उसके पास एक ही रास्ता है और वो है तू। मेरे ख्याल में अब तेरे को रन आउट हो जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं सर, मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे। नहीं नहीं, मेरे साथ काम करके देश का बुरा तो कर ही रहे हो, कम से कम बच्चे ना पैदा करके देश का भला तो सोचा होता। और तुझे मारने का फैसला बदल भी सकता है। ये दो लिफाफे देख रहे हो, एक में जिंदगी बंद है, एक में मौत, और ये कोई नहीं जानता किस में जिंदगी है किस में मौत। अब ये दो लिफाफे मैं यहाँ रखता हूँ और ये दो लिफाफों में से एक लिफाफा मेरा तोता निकाल कर मुझे देगा, उसे पढ़कर मैं ये फैसला करूँगा तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। बोलो। मुझे तूतीशाह ने भेजा है। कौन तूतीशाह? ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले लगता है आपको किसी ने तूतीशाह के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए शायद आपने उसके तमाम अड्डों को शमशान में बदल दिया।
शमशान में चिता जलने तक कुछ लोग तो रहते हैं, लेकिन मैं तूतीशाह के अड्डों को वीरान बनाना चाहता हूँ। आपके इस जोश और लगन को देखते हुए तूतीशाह ने आपको ये तोहफा भेजा है। वेरी गुड, क्या है इसमें? रुपए? ये चीजें तो काफी घिसी पिटी और पुरानी हो चुकी है, ये तोहफा जरा हटकर है, देख लीजिए। बहुत खूबसूरत है। अजी कमाल की बात तो यह है, ये भागता है, ये नाचता है, मुंह फेर लेता है, आंखों पर हाथ रख लेता है। चाबी देने के बाद इससे जो चाहो करवा लो, और इसकी चाबी तूती शाह के पास है। हेलो, गुड मॉर्निंग तूती शाह। कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर विजय सिन्हा बोल रहा हूँ। तुम्हारा तोहफा मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन बड़े अजीब आदमी हो तुम, मुझे खबरदार करके खुद बेखबर सोते हो। तुम्हारे कमरे में घुस के तुम्हें मैंने हथकड़ी लगाई और तुम्हें पता तक नहीं चला। तूती शाह, मैं सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं कहीं भी कभी भी किसी वक्त पहुंच सकता हूँ, मुझसे होशियार रहना। और हाँ, अपने उस आदमी को पुलिस स्टेशन भेज देना, हथकड़ी की चाबी मेरे पास है। सर, सर, मुझे कंप्लेन लिखानी है। हाँ बोलो। आज सुबह जैसे ही मैं घर से निकला, सभी निकलते हैं, मैंने जैसे ही बस पकड़ी, सभी पकड़ते हैं। अरे सर, आगे तो मेरी बात सुनिए, जैसे ही मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। क्यों, लोग दूसरों की जेब में हाथ डालते हैं? सर मेरी दास्तान तो सुनिए आप, जैसे ही मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, किसी ने मेरी पॉकेट मार दी। अच्छा अच्छा, रो मत, सामने के टेबल पे हवलदार बैठा हुआ है, कंप्लेंट निकालो। सर, सामने की टेबल का हवलदार तो मैं ही हूँ। सर, मैं हूँ, मेरी पॉकेट मार दी, मेरी पॉकेट मार दी। अच्छा अच्छा, तो जनाब आप हैं? हाँ मैं हूँ, मैं। वाह, आपसे अच्छी ड्यूटी तो उस पॉकेट मार ने निभाई है। एक काम करें, अपनी जगह उस पॉकेट मार को यहाँ ड्यूटी पर भेज दीजिए। कितने रुपए थे जेब में? पूरे 2000। अच्छा अच्छा, 2000। और कितनी तनख्वाह है आपकी? 700। हाँ, 700 और 2000। आपके पैसे जहाँ से आए थे वहीं चले गए। सर, ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? सर, मैं आपको लॉकअप में बंद करने ले जा रहा हूँ। लॉकअप में? सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको एक शर्त और माफ कर सकता हूँ। बताइए। आप जाके उस पॉकेट मार की तलाश कीजिए। सर, वो एक पॉकेट मार नहीं है। तो फिर? वो तो पूरे पॉकेट मारो की मंडली है। मंडली? हाँ मंडली है, मंडली मंडली है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कॉलेज जब खुलता, एक लड़का लड़की आता और क्लास के बजाय वो गार्डन में जाता। गार्डन में एक फूल है, ब्यूटीफुल जरूर है, लड़का इज वेरी जॉली। कहता उसको मालिक, क्लास का ये टाइम है, पीता तुम वाइन है, पता नहीं तुमको ये संगीन क्राइम है। प्रिंसिपल को मालूम पड़ता, वो भी जल्दी जल्दी ऑफिस छोड़कर गार्डन भाग कर जाता। लड़के को समझाता और लड़की को फुसलाता, फिर भी दोनों के पल्ले कुछ नहीं पता। आओ मेरे कमरे में तुमको बताऊंगा, कॉलेज से रस्टिकेट तुमको कराऊंगा। बोल 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 बोल। कॉलेज के रूल्स को तोड़ा,
छोटू 500 रुपए। अरे ये क्या, हमको इतने कम, छोटू को इतने ज्यादा। चोरी के माल में हिस्सा बराबर होना चाहिए। अबे घनशू, आज अगर दो पैक कम पी लेगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? इस बेचारे का बाप बीमार है, जाकर दवाई लाएगा, कुछ खाने को देगा। साले दारू पी पी के तेरे कलेजे के साथ तेरा दिल भी सड़ गया है। मुन्ना ये ले रुपए और कल अपनी बहन का स्कूल यूनिफॉर्म जरूर सिलवा लेना। क्या दीदी, सबसे ज्यादा मेहनत तो तुम करती हो और अपने हिस्से में इतने कम पैसे रखती हो। अरे अपुन का क्या है, तुम लोगों के अलावा और कौन है दुनिया में? न बाप न माँ, सर पर एक छप्पर है जिसका किराया टाइम टू टाइम चला जाए, पेट भर जाए, बस और क्या चाहिए अपुन को। अरे छोटू चल भाग, जल्दी भाग। अरे अरे कहाँ भागे जा रहे हो, माल मिल गया ना। ये साला घनशू सबको एक दिन बेवड़ा बना देगा, सुधरने वाला नहीं है। लगता है आज अच्छी खासी कमाई हुई है। अरे खाक कमाया, मेरे को लगता है हमारे डर से आजकल लोगों ने जेब में पैसे लेकर घूमना ही बंद कर दिया है। मुझे तो माल आज कुछ बहुत ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। नजर मत लगा, तेरे पैसे मिल गए ना तुझे, चुप बैठ। आपने हवलदार का पॉकेट मारा, बड़ी हैरत की बात है। अरे मैं तो आईजी डीआईजी कमिश्नर के बटवे मारने की हिम्मत रखती हूँ, वो तो एक बेवकूफ हवलदार था। लेकिन लेकिन तुम लोगों की आवाज को क्या हो गया? कहाँ जा रही हो? चलो अंदर, इसे ले चलो। ठीक है ले चलिए, आप लोगों को गिरफ्तार करने के सिवा आता ही क्या है। अरे आप लोगों ने कभी किसी चोर से उसकी मजबूरी पूछी है? क्या मजबूरी है तुम्हारी? जाओ जाकर पूछो मेरी माँ की लाश से, जिसने तड़प तड़प कर 2 घंटे पहले दम तोड़ दिया। क्या
हाँ साहब, मेरी माँ पिछले 5 महीनों से बीमार थी, न इलाज के लिए पैसे, न खाने के लिए कुछ और न कोई सहारा। मैंने अपनी माँ को रोज तड़प तड़प के मरते हुए देखा है और आज आज फाइनल आज उसकी चिता की लकड़ियां खरीदने के लिए मैंने पहली बार चोरी की और पकड़ी गई साहब। बस देखिए, उसकी चिता की आग ठंडी हो जाएगी, मैं अपने आप को खुद कानून के हवाले कर दूंगी। बहन, अब इस बुरी घड़ी में ये घड़ी काम आएगी, आप ले लीजिए। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए। ले लीजिए, ले लीजिए। ठीक है साहब। हवलदार, एक काम करो, इसे गाड़ी लेकर घर तक छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ये घर तक छोड़ो। नहीं, मैं चली जाऊंगी साहब, शुक्रिया। हवलदार, तुम तो बड़े दयालु निकले यार। सर, एक दयालु ने मुझे ये घड़ी उसमें दी थी। किसमें? मेरा मतलब ये है कि तोहफे में दी थी, मैंने उस बेचारी को दे दी। एक काम करो, मुझे भी कुछ देना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए था आपको। एक ये थोड़े से पैसे। क्या मेरा बटुआ कहाँ गया? बटुआ माँ, बटुआ घड़ी, हम दोनों को तली, पहले माँ मारी फिर बटुआ मारी, अब न जाने किस किस को मारेगी ये। मैं से मार डालूंगा, मैं से मार डालूंगा। अरे छोड़ दे मुझे, मैं चलो। अरे उधर चलो, मेरी घड़ी, चलो मेरी घड़ी। बख्शी जंग बहादुर ने बस्ती को जलाकर अपने ख्वाब को हकीकत में बदल ही दिया। बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया उसने। उसने जीती जागती बस्ती को शमशान बना के रख दिया। माइकल, आज मैं तुम्हारी मुलाकात एक ऐसे इंसान से कराना चाहता हूं जो धर्मदास और बख्शी दोनों का जानी दुश्मन है, और उसका नाम है तूती शाह। माइकल, ये है तूती शाह। माइकल, मेरे दिल पर भी बख्शी और उसके भाई धर्मदास के लगाए हुए कई जख्म हैं। बख्शी ने अपने भाई की वर्दी का फायदा उठाकर इनका करोड़ों का माल लूट लिया, लेकिन इन बस्ती वालों को देखकर मुझे अपना नुकसान बहुत छोटा लगा। मैं तो रुपया कमा लूंगा, मगर ये बस्ती वाले क्या करेंगे? कहां जाएंगे ये बेसहारे अपने बच्चों को लेकर? लिखने वाले ने तो इन गरीबों की नसीब में सिर्फ गरीबी लिखी है, लेकिन बख्शी ने जीते जी इनकी मौत लिख दी। बूढ़े तड़प तड़प कर मर जाएंगे, बच्चे सड़कों पर भीख मांगेंगे, और जवान लड़कियां, इन सब की जिंदा लाशों पर बख्शी अपनी तरक्की की मीनार खड़ी करेगा। सुना है तुम्हारे लिए बस्ती माँ से कम नहीं है। जिस माँ का तुम जैसा बहादुर बेटा हो, उस माँ का दुश्मन इस धरती पर नहीं होना चाहिए।
उसने इश्क दे झगड़े अंदर अखां करन दलाली
नाका का वहीकल। वो बस्ती माइकल की मां थी जंग बहादुर। उसकी चीख पुकार सुनकर माइकल बहरा हो चुका है। उसकी बर्बादी देखकर माइकल अंधा हो चुका है। उसके दर्द को महसूस करके माइकल का दिल पत्थर का हो चुका है। अब वो इंसान नहीं, मौत बन चुका है और उसका पहला शिकार है तू। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रिलैक्स मारिया, रिलैक्स। मैं देख नहीं सकती। नॉट टू वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। मैं देख नहीं सकती। मैं देख नहीं सकती। डॉक्टर साहब, आप चुप क्यों हैं? आप चुप क्यों हैं? आप बोलते क्यों नहीं? मैं देख नहीं सकती। शहर के तमाम अखबारों में ये खबर छपवा दो कि तूती शाह के लोग पुलिस इनकाउंटर में मारे गए। धर्मदास ने वर्दी का सहारा लेकर अपने भाई की मौत का बदला लिया है मुझसे। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम किया है उसने। कालिया, इस वक्त माइकल कहाँ मिलेगा? Thank you.
रिक्शा, ऑटो, ऑटो, ऑटो। मेरी बात सुनो, वो लोग चले गए, वो लोग चले गए मारिया। मैं तुम्हारा दोस्त दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त दुश्मन नहीं मारिया। सुनो, मुझ पे भरोसा रखो, मुझ पे भरोसा रखो प्लीज। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वो लोग चले गए, वो लोग चले गए मारिया, वो लोग चले गए प्लीज। हाँ चले गए वो लोग, हाँ नहीं गए, चले गए। मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। बचपन में माँ बाप चल बसे, मगर इज्जत की जिंदगी जीने का सबक दे गए मुझे। होटल और स्टेज प्रोग्राम करके अपना गुजारा कर रही थी, बड़ी सुख भरी जिंदगी थी मेरी। मगर न जाने किसकी नजर लग गई, एक हैवान की हैवानियत ने हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। आओ अंदर आओ, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूं। अरे नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए। तकलीफ? जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ तो यह है कि मैं देख नहीं सकती। अब इसके आगे मैं किसी तकलीफ को तकलीफ नहीं समझती। माइकल, तुमने तो मेरे बारे में सब कुछ पूछ लिया, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैं भी तुम्हारी तरह अकेला हूं मारिया, मुझे अपना दोस्त, अपना हमदर्द समझना। और हाँ, अपने आप को कभी अकेला महसूस मत करना। गुड नाइट। गुड नाइट। बड़ी सुख भरी जिंदगी थी मेरी, मगर न जाने किसकी नजर लग गई, एक हैवान की हैवानियत ने हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है कि मैं देख नहीं सकती, देख नहीं सकती, मैं देख नहीं, मैं देख नहीं सकती, देख नहीं सकती, देख नहीं सकती।
उदास हो, तुम्हारी वजह से मारिया की आंखें चली गई, इसलिए ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए और पैसा तुम्हें मिल सकता है धर्मदास का खून करने के बाद। हाँ, धर्मदास नाम है उसका, लेकिन काम सब अधर्मों के करता है, और फिर एक खून की सजा फांसी ही है और दूसरे खून की भी फांसी। सोच लो, अगर तुम्हें मारिया की आंखों का इलाज कराना है तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। हाँ, घर है, मर गए। मैडम, आप जरा बाहर तशरीफ लेंगे प्लीज। आइए आइए। उस दिन आपके जाने के बाद जब मैंने अपनी जेब टटोली तो खाली थी, इसलिए मेरा पूछना बेकार है कि इतनी रात गए आप मेरे रूम में क्या कर रही हैं। दरअसल मैं आप ही से मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने आई हो, वो भी खिड़की के थ्रू? वेरी गुड। क्यों? मैं, वो क्या है ना, मैंने उस दिन आपको पहली बार देखा, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मुझसे मोहब्बत हो गई है? साहब, मैंने चालू मर्द तो बहुत देखे, लेकिन आपके जैसा दयालु मर्द पहली बार देखा है। जिस दिन से मेरा बटुआ गायब हुआ है उस दिन से मैंने दया छोड़ दी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी मजबूरी को समझिए आप, मेरी माँ बहुत बीमार है। इंस्पेक्टर साहब, आपकी माँ बीमार है? उस दिन आपकी माँ मर गई थी, आज आपकी माँ बीमार है। कुल मिला के कितनी माँ है आपकी? उस दिन मेरी माँ मर गई थी क्या? गड़बड़ हो गया, आज मुझे किसी और को मानना चाहिए था ना। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मैं चलती हूँ। अब चाहे आपकी माँ मरे या आपका बाप या पूरा खानदान ही मर जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो थाने चलो। इंस्पेक्टर साहब, चलो, चलो, चलो। प्लीज। चाहत
कोई आता पता? अजी साहब ना कोई आता ना कोई पता सब लापता। ठीक है, सामने की टेबल पे एक हवलदार बैठा हुआ है। हाँ। उधर जाके अपनी कंप्लेंट लिखवा दो। सर जरा सर घुमाइए, सामने की टेबल का हवलदार मैं ही हूँ। छोटे छोटे बच्चों ने तुम्हारी वर्दी उतार ली? यस सर। छोटे छोटे बच्चों ने? छोटे छोटे बच्चों और ने। तुम कुछ नहीं कर सके? और मैं कुछ नहीं कर सका। मैं हैरत की बात यह है कि उन्होंने तुम्हारी वर्दी उतारी कैसे? यही तो पॉइंट की बात है सर। हाँ। उन चिल्लर पिल्लरों ने कहा, कनक सिंह जी तुम्हारे पिछवाड़े तिल है, लगी 500 की शर्त। मैंने कहा लगी, लग गई। अजी साहब लगी,
और मैंने निकाल के पिछवाड़ा दिखाया। तिल था? अजीत तिल कहाँ से होता, जन्म से ही तिल नहीं था, इसीलिए तो शर्त लगाई थी मैंने। पैसे दिए उन्होंने? पैसे काहे के देते, वो तो मेरी वर्दी भी लेकर रफ चक्कर हो गए। मैं भरी हुई गर्दी में, छिटरती हुई सर्दी में, बिना वर्दी में यहाँ तक कड़कड़ाता हुआ पहुँचा हूँ सर। कोई कंबल उमर हो तो दीजिए। शट अप, शट अप, सॉरी सर। मैंने तुम जैसा हवलदार आज तक नहीं देखा। अब एक काम करो, यहाँ से निकल लो। निकल लूं? और अपनी शक्ल तब दिखाना जब वर्दी पहन कर आना। वर्दी? वर्दी मैं कहाँ से लाऊं सर? कहीं से भी ले आओ। वर्दी मैं कहाँ से लाऊं? चोर बाजार। नाम चोर बाजार है लेकिन इधर माल चोरी का नहीं है। इज्जत से लाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, मोहब्बत से खाते हैं। उठा साहब, कीमत सिर्फ 25 रुपया, 25 रुपया। ना कहीं धब्बा है, ना कहीं दाग है, ना कोई फटा है, ना कोई रफू है। पहनोगे तो लगेगा अभी अभी सिलवाया है। ले लो साहब, कीमत सिर्फ 25 रुपया, 25 रुपया। पुलिस की वर्दी चोर बाजार में नीलाम हो रही है और वो भी 25 रुपए में। पुलिस, तुझे चुल्ली भर पानी में डूब मरना चाहिए। चोर बाजार, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये थोड़ा हवलदार साहब, आप? हाँ मैं। इसका मतलब है ये वर्दी मेरी ही है, कड़क सिंह की वर्दी। 25 रुपए में नीलाम हो रही है। अरे नीलामी करनी थी तो 1000 रुपए में करनी थी ना। लेकिन हवालदार साहब, आप चोर बाजार में क्या करने आए हैं? हाँ, दिल दिखाने और तुझे जेल ले जाने। अरे अरे, तू कहीं वो कहीं वो कहीं। कहाँ गई, कहाँ गई गाड़ी? यू गाड़ी जूते बदल लिए, पैंट बदल लिया, शक्ल बदल गई। यहाँ से किसी लड़की को जाते देखा है? नहीं नहीं। अबे अंधा है क्या, एक लड़की को जाते नहीं देखा? अबे एक टकले, इस अकेले जंगल में वीराने में तू यहाँ कर क्या रहा है? अच्छी खुशबू अच्छी है। पुलिस वाला हूँ, नहीं भिखारी हूँ, नहीं पागल हूँ, दीवाना हूँ। नाक में घुस गई, नींद बज गई। चलाना नहीं, 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 अरे चलाना नहीं, मैं चला। माइकल धर्मदास का खून करेगा, तुम माइकल का खून कर देना, क्योंकि तूतीशा का रिकॉर्ड है, वो खून करवाने के बाद सबूत मिटा देता है। जाओ। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। Let's go.
हट जाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ, हट जाओ। डॉक्टर, डॉक्टर, हट जाओ, डॉक्टर, डॉक्टर। इसे जल्दी ले रास्ते से, जल्दी। अब बच्ची खतरे से बाहर है। मेरे पीछे और मुझे इधर छुपना है। वो घर की तलाशी लेने की कोशिश करेगा और आप उसे तलाशी लेने नहीं देंगे। याद रखें, इस रिवॉल्वर में अब भी दो गोली बाकी है। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? एक कातिल पुलिस से बचकर आया हुआ है, मुझे शक है वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। यहां तो कोई भी नहीं आया, सब दरवाजे बंद हैं। लगता है आपकी आवाज कहीं सुनी है मैंने। गौर से देखने के बाद ये ना कहना कि मैंने कहीं तुम्हें देखा भी है। सच पूछिए तो मैंने आपको कहीं देखा है। खैर, I'm sorry to disturb you. Good night. ये खून किसका? जी मैंने ये पूछा, ये खून किसका है? जी ये खून मेरा ही है। ये देखिए, वो सब्जी काटते हुए छुरी लग गई थी। I'm sorry. जल्दी से इसकी मरहम पट्टी कर दीजिए। गुड नाइट। बाहर आ जाओ, इंस्पेक्टर गया। बाबा बाबा, मुझे बचाने के वास्ते आपने अपने आप को जख्मी कर लिया। मेरे जख्मों की फिक्र न कर, अपने जख्मों को भरने की फिक्र कर बेटा। अब इन जख्मों का भरना बहुत मुश्किल है। माइकल इस बार तो बच गया, उसको हम कभी भी खत्म कर सकते हैं। अपने ही लाइन का आदमी है, वो कहीं नहीं जाएगा। मगर मेरे तोते का ये फैसला है कि सबसे पहले उस लड़के को खत्म करो जिसने हमारी पूरी बात सुन ली है। सर, कहां हम, कहां वो मामूली सी लड़की, वो भला हमारा क्या बिगाड़ सकती है? पहला तमाचा,
मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए। दूसरा तमाचा, तूने मेरे तोते के फैसले के खिलाफ बात की है। और तीसरा तमाचा, तूने उस लड़की को मामूली लड़की कहा। मैचिस की तिल्ली भी मामूली होती है, लेकिन उस मामूली तिल्ली से सारी दुनिया को आग लगाई जा सकती है। टूटी शाह का रिकॉर्ड है, उसके तमाचों के निशान गाल पर से मिट जाते हैं, लेकिन दिमाग पर से नहीं मिटते। जाओ उस लड़के को खत्म कर दो। चलो तुम लोग बाहर। रास्ता छोड़। ए, पहले लड़की छोड़। अबे बोला ना रास्ता छोड़। बोला ना लड़की छोड़। लगता है तू दुनिया छोड़ना चाहता है, इसीलिए रास्ता नहीं छोड़ रहा। सोचा अच्छा है, लेकिन सोचने से क्या होता है? अमा कुछ करके दिखाओ। दिखाऊं? मारो साले को। कौन थे ये लोग? पता नहीं साहब, कह रहे थे इस लड़की ने सब कुछ सुन लिया है, इसे खत्म कर दो। यानी कि तुम्हारी जान को खतरा है? तुम एक काम करो, तुम मेरे घर चल कर रहो। लेकिन साहब, आप तो अकेले रहते हैं ना? तो क्या हुआ, अच्छा ही तो है जी। तुम भी अकेली, मैं भी अकेला, साथ रहेंगे तो दोनों का अकेलापन दूर हो जाएगा। आओ मेरे साथ आओ। चलो कमजोरी है। तुझसे क्या चोरी है?
कमजोरी है तेरी आँखों की मस्ती, मेरी कमजोरी है तेरे हाथों में मेरे सपनों की डोरी है। मैं बोलता नहीं, करता हूं और धर्मदास का काम मैं कर चुका हूं। पैसे अब तक नहीं मिले, लगता है तुम्हारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। हमारे धंधे में दुश्मन खत्म नहीं होते माइकल, मेहमानों की तरह एक जाता है तो दूसरा चला आता है। कालिया तुम्हें ठीक वक्त पर रुपए पहुंचा देगा। कालिया, माइकल को इस बार भी रुपए देने तुम खुद जाओगे। हेलो माइकल, पूरे हैं, गिन लो। क्यों चाहोगे? तुम्हारा ही रिवॉल्वर है। धर्मदास का खून होने के बाद हम चाहते थे कि उसे मारने वाले को भी मार दिया जाए ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिल सके। उस दिन तो तुम हमारे हाथों से बच गए, मगर आज बच पाना नामुमकिन है। गोलियां जेब में रखने के लिए नहीं होती, we
है तेरी जिंदगी पर, तो उस बोल के पीठ पे चूरा मारता है, मारना चाहता है ना? नहीं मार। अरे मैं तो तुझे इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि तूने मुझे लॉकअप में पानी पिलाया था। अरे तुम कब आए? बस अभी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मेरी पसंद के फूलों की खुशबू से सारा कमरा महक रहा है, मुझे तो खुशबू से पता चल जाता है कि तुम आए हो। मारिया, मारिया आप उनको शादी कर लेनी चाहिए। माइकल, मेरी जिंदगी में उजाला करके कहीं तुम अपनी दुनिया में अंधेरा तो नहीं कर लोगे? माइकल तो खुद अंधेरे में भटक रहा है मारिया, अब उनकी दुनिया तो एकदम वीरान थी, तूने तो अब उनकी दुनिया ही बदल के रख दी। मैं देख कर आता हूं। मेरा एक खास दोस्त आया है। अच्छा, मैं अभी चाय लाती हूँ। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ढूंढने वाले तो भगवान को भी ढूंढ लेते हैं, और तुम तो शैतान हो भाई। कहाँ छुपे रहते हो, महीनों गायब रहते हो, लेकिन अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। अब उनके पीछे बहुत काम रहता है यार, तुम जैसे दोस्तों के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। अरे हाँ, तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत तोहफा लाया हूँ, देखना चाहोगे? तोहफा तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम जानते हो मैं तोहफा नहीं लेता। रख लो ना, इतने प्यार से तुम्हारा दोस्त तोहफा दे रहा है, चाय। अरे मैं तो भूल ही गया, मारिया ये मेरे बड़े खास दोस्त, और ये मारिया। हेलो। हेलो, मैं तुम्हें बख्शी जंग बहादुर और धर्मदास के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। क्या लगता है तुम्हें माइकल हाथ आएगा? माइकल हाथ भी आएगा, जेल भी जाएगा। बचपन में बहुत आंख में चोली खेला करता था, मगर किसी के हाथ नहीं आता था। सोचता हूँ फिर से बच्चा बन जाऊं। खेल शुरू करने से पहले इतना जरूर सोच लेना, जितनी हिम्मत मुझ में गोली चलाने की है, उससे कई ज्यादा हिम्मत गोली खाने की। होशियारी नहीं इंस्पेक्टर, ये पिस्टल माइकल के हवाले कर दो। चलो माइकल, आज वक्त तुम्हारा है, लेकिन इतना याद रखना, वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। चलो। कौन? जिसे आप माइकल का जिगरी दोस्त समझती हैं, दरअसल वो पुलिस इंस्पेक्टर विजय सिन्हा है। माइकल मुझे यहाँ बंद करके चला गया, मुझे आपसे हमदर्दी है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सब कुछ बता दूं। शायद आप माइकल के बारे में कुछ नहीं जानती, जिसे आप अपना हमदर्द समझती हैं, दरअसल वो एक किलर है। ही इज अ ब्लडी किलर, और यही वो माइकल है जिसकी वजह से आपकी दोनों आंखें चली गई। Ah!
मारिया, उस दिन जिस बात में मैंने माइकल के बारे में जो कुछ भी कहा, मेरा मकसद ये नहीं था कि तुम्हें ठेस पहुंचे। बार बार मेरा तुम्हारे घर आना यह मतलब नहीं कि मैं तुमसे माइकल के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। मुझे तुमसे हमदर्दी है, एक भाई के नाते मैं चाहता हूं तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हो और तुम दुनिया देख सको। मारिया, अरे माइकल, तू यहां खड़ा यार, क्या हुआ यार? कहीं उस इंस्पेक्टर ने मारियो को सब कुछ बता तो नहीं दिया? क्या लाइफ है अब उनका, एकदम थर्ड क्लास। लगता है बदनसीबी मरते दम तक अब उनका साथ नहीं छोड़ेगा। पढ़ने लिखने के दिन थे तो घर से बेघर हो गया, जवान हुआ तो हाथ में डिग्री के बजाय हथियार मिले, गरीबों का साथ दिया तो जेल मिली, और इसके साथ एक नाम, माइकल किलर। माइकल किलर, मौत के खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी तू है। ऐसे खेल पर, तू है ऐसी जिंदगी पर मारिया मिली तो जीने का एक सहारा मिला, जीने का एक सहारा। मगर साला अपना बदनसीबी ने अब उनका साथ नहीं छोड़ा। कालिया, अब उनके वजह से मारिया का आग गया, बस उसका ऑपरेशन करा दू, फिर अपन अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। तू फिक्र मत कर माइकल, उसका ऑपरेशन भी होगा। कल तूती शाह की बहुत बड़ी डील होने जा रही है। माइकल, तकदीर साले उस तूती शाह का साथ दे रही है। लेकिन अब उनके तकदीर को क्या हो गया? साला अब उनसे ही मुंह फेर लिया? माइकल पैसा कमाना चाहता है, अपने लिए बिल्डिंग बनाना चाहता है, अपने लिए मकान बनाना चाहता है, अपने लिए नहीं। अगर अब उन पैसा कमाना चाहता है तो सिर्फ मारिया के लिए, सिर्फ मारिया के लिए। वो तूती शाह शाला अब उनको धोखा देकर भाग गया और अब उन कुछ नहीं कर सका।
कुछ नहीं कर सका। माइकल, ये क्या पागलपन है? जिंदगी और मौत के खेल में अक्सर ऐसा होता है। इस खेल में आप हारे या जीते कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। इस खेल में अपनी दोनों आगे चली जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन बारिया बारिया को दिखना चाहिए, कालिया बारिया को दिखना चाहिए। मिस्टर तूतिशाह, आप पर जानलेवा हमला करने की कोई खास वजह? मेरी समाज सेवा, यही मेरा सबसे बड़ा जुर्म है। लेकिन गोलियां चलाने वाले ये नहीं जानते कि इंसान का कर्म मौत को भी टाल देता है। वही मेरे साथ भी हुआ। लेकिन गोलियां चलाने वाले को तो आपने देखा ही होगा। ना तो मैंने किसी को देखा है और ना ही मैं किसी को जानता हूँ। कोई तो दुश्मन होगा आपका? मेरा कोई दुश्मन नहीं है इंस्पेक्टर। ओके, टेक केयर। हवलदार, चलो। टूटी अच्छी तरह जानता है कि उसका दुश्मन कौन है, मगर टूटी शाह के जख्मों का हिसाब पुलिस नहीं, खुद टूटी शाह करेगा। क्या हुआ सर? कुछ नहीं। सुनो, माइकल को खत्म करने के लिए तेजू को फौरन बुलाओ, जा। ओके सर। ये माइकल की तस्वीर और ये एडवांस, होशियारी से मारना। अगर वो बच गया तो तुम मारे जाओगे। लाइफ में अपुन ने बहुत मर्डर किया है, इसका भी न्यूज तुमको मिल जाएगा। टूटी शाह का रिकॉर्ड है, वो अपने दुश्मन के मरने की खबर ही नहीं सुनता, उसका मरा हुआ मुंह भी देखता है। सर, काट के भेज दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो रकम भी दुगनी मिल जाएगी। तुम स्टेज शो करने जा रहे हो, वो भी मेरी खातिर? मैं कुछ समझी नहीं। मारिया, इस डांस प्रोग्राम में जो पैसे इकट्ठे होंगे उससे हम तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करवाएंगे। ये जानकर मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, बहुत दुख होता है कि मैं ना सिर्फ अपने आप पर बल्कि आप लोगों पर भी बोझ बनकर रह गई हूँ। एक भाई पर बहन कभी बोझ नहीं होती मारिया। मारिया, अंधेरे की उम्र लंबी नहीं होती, बस जल्दी सूरज निकलेगा और तुम फिर से दुनिया को जगमगाता हुआ देखोगी पहले की तरह। देखो, यहाँ एक चैरिटेबल प्रोग्राम होने जा रहा है, वहां बहुत सारे लोग आएंगे, भीड़ का फायदा उठाकर माइकल मारिया से मिलने आएगा, लेकिन मारिया वहां होगी नहीं। हमें बहुत चालाकी से और होशियारी से माइकल को गिरफ्तार करना है। सर, हो सकता है पुलिस के डर से माइकल वहां पर ना आए। माइकल वहां जरूर आएगा। माइकल वहां जाएगा, जरूर जाएगा। वहां जाना अपनी मौत को गले लगाना है माइकल। मौत को गले लगाना ही माइकल की जिंदगी है कालिया। सब कुछ मिलेगा मेरे, हो मेरे, हो तुझे सब कुछ मिलेगा मेरे कहने पे। ओ
तुझे सब कुछ मिलेगा मेरे, हाँ मेरे, हो तुझे सब कुछ मिलेगा मेरे कहने पे। कुछ मिलेगा मेरे, ओ मेरे, ये तुझे सब कुछ मिलेगा मेरे कहने पे। इडियट, तुमसे किसने कहा था गोली चलाने को? कालिया, कालिया, पुलिस को माइकल की तलाश थी, फिर तुम क्यों भागे? माइकल को बचाने के लिए, ये जिंदगी उसकी दी हुई थी, उसी को वापस दे दी। कालिया, दोस्ती की इतनी बड़ी कीमत नहीं मांगी थी मैंने मेरे दोस्त। अपन का बात गौर से सुनो इंस्पेक्टर, तूती शाह को गिरफ्तार करने का गोल्डन चांस, मासूम लड़कियों को बेचने के लिए उन्हें किडनैप करके तूती शाह कल सुबह 11 बजे ठीक मड आइलैंड से उन्हें फॉरेन कंट्री भेज रहा है। सलाम साहब। Thank you.
चलें। क्यों दुदिशा, लगता है खड़े रहने में भी तेरा रिकॉर्ड है। जा 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 के आराम कर ले, बैठ जा, ज्यादा सोच मत, क्योंकि तोते के मुकद्दर में पिंजरे के अंदर बंद रहना ही लिखा होता है। टूटी शाह का भी रिकॉर्ड है, वो किसी भी पिंजरे में ज्यादा देर बंद नहीं रहा। तेरे इरादे मेरे गिरफ्त से ज्यादा मजबूत नहीं। बहुत तरस आता है तुझ पर, अभी तो ये तेरे खेलने खाने के दिन है, शायद तुझे पता नहीं, तेरे ही कानून ने हमें जन्म दिया। यहाँ ऊपर से नीचे तक बेईमानों का जाल फैला हुआ है। फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाने तक कुर्सियां बदल जाते हैं। ऐसे उलझनों में तेरी कौन सुनेगा बच्चे? एक मेडल का लॉलीपॉप देके घर भेज देंगे तुझे कानून वाले। क्यों कानून के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करता है? अगर कानून पर जान निछावर करने को तू बर्बादी कहता है, तो शायद दुनिया का पहला शख्स होगा जिसे अपनी इस बर्बादी पर नाज होगा। आए इंस्पेक्टर साहब, ये जो चटाक पटाक और पटाक चटाक की जो आवाजें आ रही हैं, मेरी हड्डियों की हैं। इनकी फरियाद सुनो, एक एक हड्डी की रिपोर्ट लिखो आप। खड़क सिंह, ये तुम्हारी हालत किसने की? सर, मुझे उठाइए तो सही पहले। सॉरी, ये हालत मैंने खुद की है। आज मेरी बीवी ने कलर टीवी की फरमाइश की, तो मैंने अपनी मूछों की आजमाइश की। सीधा घुस गया गोलीबार की झोपड़ पट्टी में और वहां की चूना भट्टी में। मुझे देखते ही वहां के खिड़की दरवाजे बंद होने लगे, दुकानों के शटर धड़ा धड़ गिरने लगे। मैं बहुत खुश हुआ सर। खड़क सिंह जी, संभालिए अपने आप को। सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। मैं समझा कि आज कलर टीवी के साथ साथ वीसीआर भी मिल जाएगा, मगर वीसीआर नहीं, फिटकार मिली धना धन। चारों तरफ से अंडे डंडे फुकनी चिमटे लेकर लोग मेरे ऊपर टूट पड़े और मेरी पिटाई करनी शुरू कर दी। मगर क्यों पता नहीं, मुझे वीरू दादा के कहकर वो पीटते जाते थे और कहते जाते थे, अबे धोबी के कुत्ते, तू तड़ी पार होने के बाद भी अपनी धुलाई करवाने फिर उसी घाट पर वापस आ गया। ले खड़क सिंह, खड़क सिंह भाई, तुम तो वीरू दादा नहीं हो। वीरू दादा अपुन है। क्या अपुन है? सर, मैं लॉकअप के अंदर कैसे चला गया? यही तो मैं सोच रहा हूं। लोगों ने तुझको वीरू दादा समझकर तेरी पिटाई कर डाली। बिल्कुल मेरी शक्ल का, मगर मैं तो अपनी माँ का एक लौता बेटा हूँ और मेरा बाप तो बहुत शरीफ आदमी था। लेकिन अपुन का बाप बहुत बड़ा बदमाश था, समझा? जाइए अपने भाई से मिल लीजिए। अरे काहे का भाई, सर मैं तो कहता हूँ इसको लॉकअप में से निकाल के टाडा में डाल के इसकी ढढाई कीजिए। योर ऑनर, इस शरीफ और इज्जतदार आदमी पर यह इल्जाम है कि ये गिरा हुआ आदमी है, मासूम भोली भाली लड़कियों को गैर मुल्क के लोगों के हाथों बेचता है। मिलॉर्ड, जबकि ये इल्जाम बेबुनियाद और गलत है, मैं उन तमाम लड़कियों और उनके माँ बाप को अदालत में लाने की इजाजत चाहता हूँ जो इनके लिए काम करती हैं। इजाजत है। तुम्हारा नाम? जमुना दास। क्या करते हो? मिल में काम करता था। काम करता था यानी अब कुछ नहीं करते? अब मैं बीमार रहता हूँ, मुझसे काम नहीं होता बराबर। इस शख्स को पहचानते हो? जी हाँ। कौन है ये? भगवान है। मतलब? जज साहब, मुझ बूढ़े की जिंदगी का एक ही सहारा है, मेरी जवान बेटी। इन्होंने उसे एक अच्छी सी नौकरी दी। जज साहब, हमें इनसे कोई शिकायत नहीं। जज साहब, ये आदमी झूठ बोलता है। क्या तो इसका मुंह रुपए देकर बंद किया गया है या फिर इसे धमकी दी गई है। इंस्पेक्टर,
तुम जज्बात से काम ले रहे हो। तुमसे जब सवाल पूछा जाए तब जवाब देना। जज साहब, इस आदमी से हमें कोई शिकायत नहीं। तमाम दलीलों को सुनते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तूती शाह एक शरीफ, ईमानदार और इज्जतदार शख्स है। इसे पुलिस ने नाहक परेशान किया है, लिहाजा ये अदालत तूती शाह को बाइज्जत बरी करती है। बेवकूफ इंस्पेक्टर, तूती शाह का भी एक रिकॉर्ड है। वो जुर्म की दुनिया में गोल्डन जुबली साल मनाने वाला है और तुझे कानून के दुनिया में आकर 100 दिन भी पूरे नहीं हुए। बच्चा है, बच्चे की तरह रहे। घर पे आ, चॉकलेट खिलाऊंगा। बड़ों से ऐसा खेल मत खेलना, गिर जाएगा तो चोट आ जाएगी। You bastard! मैं मौत को मार रहा हूँ। This is contempt of the court! छोड़ दो मुझे! देखिए जी साहब। Order! Order! छोड़ दो मुझे! छोड़ दो! चल! तू तीसरा! Order! Order! चचा! चचा मुझे जाने मत देना! मैंने उसे लगी हाथों पकड़ा चचा! Inspector! तुम अदालत की तोहिन कर रहे हो। और अदालत इंसाफ की तोहिन कर रही है। बेगुनाह लोगों को फांसी के तख्ते पर चला देते हो, गुनेगार लोगों को बाइज्जत बरी कर देते हो। इस वर्दी को पहनकर ऐसा लगता है जैसे जंजीरों में जकड़ा हुआ हूं। बेड़ियां पहन रखी है मैंने। उतारता हूं इन बेड़ियों को, इन जंजीरों को। ये रहा आपका कानून। आज अभी इसी वक्त इस नौकरी से इस्तीफा देता हूं मैं। गुड बाय सर, गुड बाय। इंस्पेक्टर, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, अब तू इंस्पेक्टर नहीं रहा ना। कोई बात नहीं, सरकार नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। नौकरी की जरूरत पड़े तो पूछ लेना, शर्माना मत। तूती शाह का रिकॉर्ड है, वो झुके हुए पेड़ को ज्यादा पानी देता है। मैं झुका नहीं तूती शाह, बस यही बताने आया था तुझे मैं। तुझे खत्म करना कल से ज्यादा आज आसान हो गया मेरे लिए। मैं चाहता हूं आज के बाद हर पल तू मेरा खतरा महसूस करे। मजा आएगा, अब तुझे मारने में बहुत मजा आएगा। कल तक तेरे गले में सरकारी पट्टा था, आज तू एक लावारिस कुत्ता है। दौड़ा दौड़ा के मारूंगा तुझे। तूती शाह, तेरे दिमाग को जंग लग गया है। तू जिसे कुत्ता समझता है वो कुत्ता नहीं, शेर है। हर शेर जब घायल हो जाता है तो शिकारी के लिए मौत बन जाता है। तो कितना भी बच्चा, तुझे मौत के पंजों में जकड़ने के लिए मेरी एक छलांग ही काफी है। लिख ले, ये मेरा रिकॉर्ड है। Bye.
डॉक्टर माथुर कल जर्मनी जा रहे हैं, 15 दिन बाद लौटेंगे। आते ही वो तुम्हारे आंखों का ऑपरेशन करेंगे। वो कह रहे थे उसके बाद तुम फिर से देख सकोगी। मारिया, आप उनकी जिंदगी में खुशी का दिन तब आएगा जब तुम देखने लगोगी। मारिया, मारिया, क्या हुआ? Come on, cheer up, cheer up, yes, yes, my. विजय, मारिया कैसी है? क्या करोगे उसके बारे में जानकर? तुम्हारी अपनी जिंदगी तो नर्क है, कम से कम उसके बारे में तो सोचा होता। उसके साथ जो भी हुआ मालूम है? अब उनको उसका कितना दुख है? दुख? और तुझ जैसे कातिल को? हाँ दोस्त, कातिल हूं मैं, मगर मां के पेट से कातिल नहीं पैदा हुआ था। माँ ने तो एक फरिश्ते को पैदा किया था, हालात ने कातिल बना दिया था। तुम भी तो वर्दी में पैदा नहीं हुए, सब किस्मत का खेल है। तुम्हारी जगह पैदा होता तो शायद एक अफसर होता, और तुम एक किलर। अब उनको गलत मत समझना दोस्त, अब उन तो किस्मत का मारा है। आज अब उन खुद तेरे पास चल के आया ताकि तुझे थैंक्स कह सकूं। तू इंसान नहीं, फरिश्ता है। मारिया का ऑपरेशन करवा कर तू माइकल पर कितना बड़ा एहसान कर रहा, तू खुद नहीं जानता। इस एहसान के बदले तू जो कुछ भी माइकल से मांगेगा, माइकल तुझे दे देगा। बस
मारिया अपुन को माफ कर दे और अपुन को इधर तक पहुंचाने वाले तूती शाह मैं ऊपर तक पहुंचा दूं। उसके बाद अपुन अपने आप को कानून के हवाले कर देगा। अपुन मारिया को बहुत चाहता है दोस्त, उसका ख्याल रखना, उसका ख्याल रखना। माइकल, तू जानता है तुझसे कौन मिलने है? देख मारिया। माइकल, मारिया देख तो नहीं सकती, मगर उसने तुम्हारे अंदर के छुपे हुए इंसान को देख लिया है और वो तुमसे मिलने आई है। से भी गहरे जख्म मेरे दिल मेरी आत्मा पर लगे हैं, जो तेरे बाप ने मेरे बाप का खून करके मुझे बचपन में दिया था। तो क्या ये अपन का माइकल है? कुछ याद आया कातिल बाप के कातिल बेटे, कुछ याद आया? मुझे सब कुछ याद है मेरे दोस्त। माइकल के नसीब ने उसके साथ नाइंसाफी जरूर किया है, लेकिन माइकल तेरे साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। चला गो, नहीं मार दे अपन को और बुझा दे वो आग जो बचपन में मेरे बाप ने तेरे अंदर लगाया था। चला गोले, आखिर बाप के किए की सजा तो बेटे को भुगतना ही पड़ता ना। चला गोले, मार दे अपन को विजय। हाँ जरूर मारूंगा तुझे, मैं जरूर मारूंगा, और जब भी तेरा बाप मुझे मिलेगा तो सब बताऊंगा कैसे कुत्ते की तरह मैंने तुझे मारा था। कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे। नहीं, अगर तेरी नजरों में इसका बाप मुजरिम है तो उसके किए की सजा बेटे को मत दे। चला गोली और ले ले अपने बाप का बदला। डिसोजा तेरे सामने खड़ा है। तो वो तुम हो? अच्छा हुआ जो तुम मेरे सामने आ गए, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं डिसोजा। विजय, अच्छा पागल में से खत्म कर डालो। बस कर डिसोजा, बस कर। अरे कब तक चुप रहेगा तुम? इसको हकीकत क्यों नहीं बताता? नहीं फादर, इसके सर पर खून सवार है, ये क्या हकीकत सुनेगा? इसको सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा इसको। विजय, डिसोजा तुम्हारे फादर का खून नहीं किया, लेकिन यह बेचारा खून के इल्जाम में जेल गया। इसने खुद का बेटा खो दिया। हाँ, वो तेरे को अपने बेटे से प्यार दिया। हाँ, अपने बेटे से ज्यादा प्यार तेरे को दिया। तेरा डैडी तेरे को पुलिस ऑफिसर बनाना चाहता था, मगर यह डिसोजा, ये डिसोजा दिन रात जेल में काम करके तेरे को पढ़ाया लिखाया, पुलिस ऑफिसर बनाया। और तुम, अरे तुम तो उसके सामने ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। और तुमने, तुमने उसके सामने रिवॉल्वर तान लिया। ठीक ठीक, शेम शेम शेम। फिर कौन था वो कमीना जिसने अपन सबका लाइफ बर्बाद कर दिया? हाँ फादर, कौन था वो? था नहीं मेरे बच्चों, है
तूती शाह, ये नाम है हम सबकी बर्बादी का, मगर गॉड बहुत ग्रेट है। उस कुत्ते से बदला लेने के लिए आज गॉड ने आपको अपने दोनों शेरों से मिला दिया। पीछे, पीछे। अपुन को मारिया से मिलाकर तूने अपुन पर एक एहसान तो कर दिया था, मगर आज मारिया की जान बचाकर तूने अपुन पर बहुत बड़ा एहसान किया है दोस्त, बहुत बड़ा एहसान किया है। वो दोनों गर्ल्स चश्मे नहीं है। तुम्हारे यारों से बदला लेने के लिए उठा लाया हूँ तुम दोनों को। बहुत प्यार करते हैं ना तुमसे। जब उन दोनों को पता चलेगा कि टूटी शाह ने तुम दोनों को बाहर के मुल्क ले जाकर बेच दिया तो बहुत तड़पेंगे वो लोग। और टूटी शाह का रिकॉर्ड है कि वो दुश्मन को इतना तड़पाता है कि दुश्मन खुद अपनी मरने की दुआ करता है।
लौटा दिया है, अब उनको बाप मिल गया, दोस्त मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन लेकिन माइकल मारिया को आके नहीं दिला सका। दोस्त, हाँ माइकल, हाँ दोस्त, एक एहसान करते अपुन पर, अब उनके मरने के बाद अब उनकी आंखें मारिया को दे देना, मारिया फिर से देख सकी दोस्त, फिर से देख सकेगी। माइकल, 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 मैं देख सकती हूँ, मैं तुम्हारी आंखों से देख सकती हूँ। तेरी आँखों की मस्ती मेरी कमजोरी है।